प्रजनी की यानी कि सेकंड फीलियल जेनरेशन की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर बोला गया है कि मेंडल ने यूज़ किया वायलेट फ्लार तो जो वायलट फ्लार होगा ये हो जाएगा डोमिनेंट, और वायलट फ्लार को उन्होंने करवाया क्रॉस विद वाइट फ्लार तो वाइट फ्लार होगा रिसेसिव हमें पता है जो रिसेसिव ट्रेट है वो खुद को एक्सप्रेस करता है ओनली इन दी होमोजाइगस कंडीशन तो यहाँ पर हमें पता है कि जो वायलेट है वो तो है एफ टू प्रोजनी तो यहाँ पर मेंडल को करना था जीनोटाइप कन्फर्मेशन दैट मीन्स मेंडल को पता करना था कि जो हमारे पास वायलेट फ्लावर है ये हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है तो जीनोटाइप कन्फर्मेशन के लिए जो हम क्रॉस परफॉर्म करते हैं दैट क्रॉस इज टेस्ट क्रॉस तो टेस्ट क्रॉस में हम क्या करेंगे हम प्रोजनी जो है हमारी विच इज दायलेट फ्लावर, उसे कराएंगे क्रॉस विद दी रिसेसिव पेरेंट तो जब हम मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस परफॉर्म कराते हैं तो हमारे पास फिफ्टी फिफ्टी परसेंट आते हैं बोथ दी फिनोटाइप्स यानी कि फिफ्टी परसेंट फिनोटाइप तो आएगा हमारा रिसेसिव पेरेंट वाला जो हमने लिया है और फिफ्टी परसेंट आएगा हमारे ऑर्गेनिज्म का जिसे हमने यूज़ किया है तो अब अगर हम ये टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करें तो हम फ्लावर कलर डिस्कस कर रहे हैं अगर जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उसका जो कलर है वायलेट अगर ये फ्लावर है हेड्रोजाइगस और जो हमारे पास रिसेसिव पेरेंट है उसका जिनोम तो हमें पता है तो यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे दो टाइप के गेमीट्स दैट इज़ कैपिटल वी एंड स्मॉल वी और यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे सिंगल टाइप ऑफ गेमीट तो क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारा ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होंगे वन विल बी वॉयलेट एंड दी अदर वन विल बी वाइट तो ऐसे हमें पता चल जाएगा गेमीट फॉर्मेशन से कि जो हम हमने जो F2 टू जनरेशन का ऑर्गेनिज्म लिया है वो है हेटरोजाइगस अगर वो होमोजाइगस होता यहाँ पर हम कैपिटल V और स्मॉल V ले रहे हैं तो यहाँ पर जो गेमीट बनता दैट विल बी कैपिटल V यहाँ पर बनता स्मॉल V तो जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास आता वो होता ओनली द्लड प्लांट तो ऐसे हो जाता है जीनोटाइप कन्फर्मेशन ऑप्शन देखें अगर तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है तो इस जीनोटाइप कन्फर्मेशन के लिए मेंडल ने परफॉर्म किया था सेल्फ क्रॉस सेल्फ क्रॉस होता है सेल्फिंग तो ये हो जाएगा फॉल्स यानी कि जब हम सेम जीनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म को क्रॉस करें नेक्स्ट बोला गया है दिस इज अ रेसिप्रोकल क्रॉस तो रेसिप्रोकल क्रॉस की कंडीशन समझते हैं पहले रेसिप्रोकल क्रॉस होता है सेट ऑफ टू क्रॉस जिसमें हमारा अगर फर्स्ट क्रॉस लेट्स सपोज हमने ऑर्गेनिज्म ए और बी लिया है, अगर पहले ए मेल था और बी फीमेल थी तो नेक्स्ट क्रेस केस में हमारे पास जो ए होगा दैट विल बी फीमेल और बी होगी मेल तो इस क्रॉस को हम कहेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस दिस इज नॉट द केस तो ये भी हो जाएगा फॉल्स थर्ड ऑप्शन में हमें गिवन है इट इज अ टेस्ट क्रॉस व्हिच इज ट्रू क्योंकि इसी को हम यूज करते हैं फॉर जीनोटाइप कंफर्मेशन और लास्ट ऑप्शन में गिवन है आउट क्रॉस तो आउट क्रॉस होता है क्रॉस विद द डोमिनेंट पेरेंट फॉर एग्जांपल अगर हम F1 प्रोजेनी को क्रॉस करा रहे हैं विद द होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट तब हम उसे कहेंगे एक आउट क्रॉस तो ये भी हो जाएगा फॉल्स क्योंकि जीनोटाइप कन्फर्मेशन के लिए हम परफॉर्म करते हैं टेस्ट क्रॉस तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर